तो स्वागत है आपका ज्ञापन एकेडमी के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं काव्यखंड। ये काव्यखंड संस्कृत वाले विद्यार्थियों के लिए है। देखिएगा पहले लेखक के बारे में, एक ही बार में दोनों लेसन कंप्लीट, छोटा छोटा लेसन है। और इसका एक और बात, राज की बात बता रहे हैं ना, मस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया, यहाँ देखिए ये भी पूछा गया है 12 में 18 में, इस बार पूछने का 100% चांस बनता है। ठीक है, ये भी 3-4 बार 5 बार ये क्वेश्चन पूछा है हमारे नींद, तो ये हम लोगों को देख लेना है। ठीक है, ये मस्ट वीवीआई क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। उससे पहले लेखक के बारे में थोड़ा सा समझ लें। ठीक है, वीरेन डंगवाल ने एक कविता लिखा है, जिस कविता का नाम है हमारी नींद। हमारी नींद बहुत ही खराब चीज़ होती है। जो सोया सो खोया, जो जागा सो पाया, यानी कि हम अगर सो रहे होते हैं तो ये नहीं समझे कि हमारे सोने से वक्त रुक जाता है। ठीक है, जब हम लोग सो रहे होते हैं ना, कोई उस वक्त जग रहा होता है और पढ़ाई कर रहा होता है, अपने भविष्य यानी कि अपने लक को खुद लिख रहा होता है। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखें, यही बोले है कि हमारी नींद जो है बहुत खराब चीज़ है। ठीक है, हम सोचते हैं कि हम सो रहे हैं तो सब कोई सोया हुआ है, ऐसा नहीं है। अपने आगे बढ़ने के लिए, अपने लक्ष्य को अचीव करने के लिए कुछ ना कुछ वो कर रहा होता है। यहाँ देखिए बाबू, इनका जन्म 5 अगस्त 1927, जब अपना देश आज़ाद हुआ, ठीक है, उस समय इनका जन्म हुआ था। 15 अगस्त हुआ था लेकिन 5 अगस्त 1947 को इनका जन्म हुआ। ठीक है, फरती नगर, ये कहाँ है, टिहरी गढ़वाल। गढ़वाल पता है ना कहाँ है, आपको पता होना चाहिए कि गढ़वाल कहाँ है। गढ़वाल कहाँ है बाबू, उत्तरांचल में, यानी अभी फिलहाल में उत्तराखंड में है। ठीक है, तो उत्तराखंड के टिहरी में इनका जन्म हुआ, कहा जाता है देवों की नगरी, उसको भी बोलते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा वीरेन डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ, तो उत्तरांचल या उत्तराखंड में हुआ था, टिहरी गढ़वाल में हुआ था। ठीक है, ये वहाँ से एमए इलाहाबाद से किए, प्राइमरी वहीं से अपने इलाका से कर लिए। और मिथको, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मिथको और प्रतीकों पर डिलीट की उपाधि दी गई थी। डिलीट एक प्रकार का उपाधि है। आपसे पूछा जाएगा कि वीरेन डंगवाल को डिलीट की उपाधि कब दी गई, तो याद रखिएगा मिथको और प्रतीकों पर इनको मिला था। ठीक है, 1971 में बरेली कॉलेज में ये क्या कहते हैं, 1971 में ये अध्यापन का कर पढ़ाने का काम शुरू किए। कब, 1971 में। अमृत प्रभात में कुछ वर्षों तक क्या गए, घूमता आईना शीर्षक लिखे हैं। ठीक है, यानी अमृत प्रभात, एक मान लीजिए कि जैसे पेपर वगैरह होता है ना वैसे, उसमें एक घूमता आईना शीर्षक लिखे हैं। ये आपसे पूछा जाएगा घूमता आईना शीर्षक, घूमता आईना शीर्षक किसका है, तो ये आप कहिएगा डगवाल जी का है। किसका है, वीरेन डगवाल का है। ठीक है, अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार, आपसे पूछा जाएगा ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, अमर उजाला के संपादकीय सलाहकार कौन थे, तो यहाँ आपको बताना है डगवाल जी थे। 1991 में पहला कविता लिखे हैं। ठीक है, 1991 में पहला कविता किसने लिखा है, डगवाल जी लिखे हैं। और ये कैसे है? तो इसी दुनिया में एक था कविता, वही लिखे हैं, उसी से लिए हैं। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, किस पर मिला, तो देखिए दुष्चक्र में सृष्टा, याद रखिए दुष्चक्र में सृष्टा एक लेखन इनकी रचना थी, उसी पर इनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। और ये जो पूरा हमारी नींद आप पढ़ेंगे ना, ये जो आपका लेसन है, ये भी इसी से लिया गया है। ठीक है, इसी से संकलित, आपसे पूछा जाएगा हमारी नींद किस कविता से संकलित है, तो दुष्चक्र में क्या, सृष्टा। ठीक है, अब रघुवीर सहायक स्मृति पुरस्कार, ठीक है, इसी दुनिया में एक यहाँ लिखे थे, रचना किए थे अपना, और उसी से इन्होंने क्या किया था, इसी दुनिया में से क्या मिला है, रघुवीर सहायक स्मृति पुरस्कार मिला है। नाजिम, ये वाला वीवीआई क्वेश्चन है, ये वाला आपसे पूछेगा, वीवीआई रहेगा, ये वाला पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, समझिएगा। नाजिम हिकमत अनुवाद, ये पहला पुस्तक के रूप में अनुवाद किए, सबसे पहला पुस्तक अनुवाद किए अपने भाषा में, पहल पुस्तक एक है, पहल पुस्तक इनका है, इनका डगवाल जी का। और देखिए ये नाजिम हिकमत जो है ना, इसका अनुवाद पहल पुस्तक में, यानी पहला पुस्तक में हुआ है। प्रश्न, अब यहाँ पे प्रश्न अभी नहीं देखेंगे, ये समझ लिए लेखक के बारे में कि इनका जन्म 47 में हुआ, 91 में सबसे पहले एक कविता लिखे हैं, हमारी नींद कविता में क्या लिखे हैं समझिएगा। ठीक है, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ गए हैं पेड़, भले हम लोग ना सोए हैं लेकिन जो काम वृद्धि और विकास का काम है ना, जिसको आगे बढ़ना है ना, उस वक्त वो वृद्धि कर रहा है, वो नहीं रुकता है। ठीक है, हमारे सो जाने से बाबू दुनिया की कोई चीज़ रुकती नहीं है, अपना कार्य करते रहती है। जिस दिन बाबू वृद्धि विकास अपना काम करना बंद कर दे, पेड़ जो है वो अपना काम करना बंद कर दे, हम जीवित रह पाएंगे, तो दुनिया में हर वक्त हर लोग काम करते रहते हैं, हमारे सोने से कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे मनुष्य के आलस के बारे में बताया कि हम लोग कितने आलसी होते हैं, हम लोग समझते हैं हमारे सो जाने से सब कुछ रुक जाता है।
ठीक है, मेरी नींद के दौरान कुछ इंच बढ़ जाते हैं, फिर कुछ सुत पौधे भी बढ़ जाते हैं, अंकुर ने अपने नाम मात्र कोमल सिंगों से। और देखिएगा, जब वृक्ष एक छोटा सा हम लोग बीज डालते हैं तो वो अंकुरित होता है, जब उसमें से निकलता है तो ऊपर वाला जो कवर होता है उसको हटा करके निकलता है। आप धान वगैरह में देखे होंगे, यानी उसका जो भी अपना सिंह निकालता है उसमें से तो कवर हट जाता है, वही बात बोला है, सिंगों से ढकेलना शुरू की बीज की फूली हुई छत। बीज फूला हुआ होता है और उसका छत को ढकेलना शुरू कर देता है बीज अंदर से, अपने सिंगों से भीतर से। एक मक्खी का जीवन क्रम पूरा हुआ। जब हम लोग सो रहे होते हैं ना, तो बहुत बच्चे का उस समय जन्म भी हो जाता है और बहुत मक्खी के बच्चे का और बहुत बच्चे की मृत्यु भी हो जाती है। उनका जीवन काल बहुत कम दिनों का होता है। सोचिए कि हम अपने सो करके समय बर्बाद करते हैं और उतना ही में उन लोग का जन्म भी हो जाता है और उतना ही में मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, एक मक्खी का जीवन क्रम भी पूरा हो जाता है। कई शिशु पैदा होते हैं, उनमें से कई तो क्या हो जाते हैं, मर भी गए। दंगे अजनबी, देखो आगजनी और बमबारी में उस समय आप देखें, ये कविता का एक सेंस है कि दंगा भी होता है, आग जगी जो भी है ये भी होता है। गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। लेकिन देखिए, हम जब सो रहे होते हैं ना, उस वक्त कमाने वाले व्यक्ति लगे हुए हैं, भोरे में एकदम सुबह में उठ करके लाउड स्पीकर बांध करके और वहाँ गरीबों से चंदा लोग मांगना शुरू कर देते हैं कि पूजा के लिए ये करना है, वो करना है। वो पूजा करे चाहे नहीं करे उससे मतलब नहीं है, लेकिन अपने कमाई धंधा के चक्कर में लग जाते हैं। यहाँ देखिए, यानी साधन तो सभी जुटा लिए अत्याचारियों ने, मगर जीवन हठिला फिर भी बढ़ता ही जाता है आगे हमारी नींद के बावजूद। हमारी नींद के बावजूद हम कितना भी सोएं, हम लोग अपने सब चीज़ अपना व्यवस्था कर लेते हैं, यहाँ अपने अत्याचारी हर चीज़ अपने इकट्ठा कर लेता है। ठीक है, जो भी अत्याचारी होता है अपना, देखिएगा नींद जब लगता है ना तो लगता है कि वाह इतना ज़बरदस्त आराम, और ठंडा के दिन में तो और ऐसा होता है, उठने का मन नहीं करता है। लेकिन उस वक्त जो अपना काम कर, आप कभी चोर को देखे हैं, चोर ठंडा में चोरी करने आ जाता है, अपना काम करता है वो, ठीक है, लेकिन हम लोग उस वक्त सो रहे होते हैं। हमारे नींद बहुत बड़ी हमारी दुश्मन है, जिस तरह दोस्त है उस तरह कई गुना दुश्मन बनते जा रही है। अब देखिए यहाँ पे, और लोग भी हैं, कई लोग हैं अभी भी जो भूले नहीं है साफ और मजबूत इनकार। अभी भी लोग भूले नहीं हैं, इनकार किसी प्रकार का कुछ भूले नहीं है, लेकिन हम अपने नींद के वजह से सब कुछ भूल जाते हैं। अच्छा, बहुत सारा टेंशन रहता है, लोग सो जाते हैं, बहुत सारा काम दिमाग में आता है कि ये सुबह में उठेंगे ना भोर में तो ये करेंगे वो करेंगे, बाबू ऐसा होता है ना, बहुत सारा काम लोग सोच के रखते हैं। लेकिन क्या होता है, जब हमारी नींद आती है तो सब काम खत्म, एक बार 8 बजे नींद खुलता है। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। तो ये आपको हमारी नींद जो हमारी किस तरह से दुश्मन है दोस्त है, ये आप समझ गए। लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन इसमें कई बार पूछा है, 5 या 7 बार ये पूछ चुका है क्वेश्चन, मस्ट वीवीआई है, इसको लिख लीजिएगा। हमारी नींद शीर्षक कविता में कवि ने, जो हमारी नींद है, जो नींद क्या है, हमारी एक तरह से दुश्मन अभी के लिए है, एक कविता में किन अपराधियों का जिक्र किया गया और क्यों, यहां पे बोला गया ना, यहां देखिए कि ये साधन तो जुटा लिए हैं अपराधियों ने, किस अपराधी का जिक्र किया है, तो देखिएगा कवि यहां उन अपराधियों का जिक्र करता है जो हमारी सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन से लाभ उठाते हैं। एक और बात बता, हम लोग जितने अपने शरीर को आराम देंगे ना, हमारा शरीर उतना ही आराम खोजता है, सुविधा खोजता है, और एक दिन ये आलसी बन जाता है और सिर्फ सोना पसंद आता है और सोते सोते सब कुछ गंवा देता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको यही लिखना है, और ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में पूछेगा। कितने नंबर में पूछेगा, 5 नंबर, इसको और आप बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। ठीक है, और ये आपका पूर्ण रूप से आंसर हो गया, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा, ये पूछेगा आपके एग्जाम में, मस्ट बेबी है। ठीक है, ये है अनामिका जी के बारे में। ठीक है, अनामिका बिहार की है, बिहार की एक लेखिका, गर्व होता है ऐसे औरतों को देखने के बाद, बिहार की एक लेखिका, इन्होंने भी कुछ लिखा है अक्षर ज्ञान। जब हम छोटा सा बच्चा कोई होता है ना तो उसको क ख ग सिखाते हैं, बोलते हैं बाबू बोलो क से कबूतर, ख से खरगोश, तो ये बोले कि ऐसे मत पढ़ाइए, कुछ ट्रिक लगाइए, ट्रिक से उसको पढ़ाइए। ठीक है, ताकि क से कबूतर उसको याद हो जाए। ठीक है, तो देखिएगा पहले इनका जन्म हुआ था 1961 में 17 अगस्त 15 अगस्त के 2 दिन बाद, इनका हुआ था 5 अगस्त को, इनका हुआ था 17 अगस्त को, इनका हुआ था जब देश आज़ाद हुआ था, इनका 1961 में, उस समय चाइना वार हुआ था। ठीक है, मुजफ्फरपुर
बिहार में आता है, ठीक है, यानी मुजफ्फरपुर का लीची फेमस है, यहाँ समझिएगा। इनके पिता का नाम है श्याम नंदन किशोर, ये भी बाबू बहुत बड़े क्या हिंदी गीतकार थे, ठीक है। अलग अलग विश्वविद्यालय में इन्होंने भी अपनी पढ़ाई की थी, ठीक है। दिल्ली विश्वविद्यालय में अनामिका जी क्या की हैं, यानी दिल्ली विश्वविद्यालय से MA की हैं और PhD की भी उपाधि, जब PhD कर लेते हैं, MA के बाद PhD कर लेते हैं, तो उस समय नाम के आगे डॉक्टर लग जाता है। अब ये मत समझिएगा कोई डॉक्टर लिख रहा है तो वो डॉक्टर है इलाज करने वाला, नहीं, PhD करने के बाद लग जाता है। तो अनामिका जी PhD की उपाधि ले लिए। इनकी रचना कुछ है, गलत पत्ते की चिट्ठियाँ, यानी कि गलत पत्ते, पत्ते मतलब पेड़ पत्ता मत समझना, नहीं होता है कि गलत पत्ते पर जगह पर पहुंच गया चिट्ठिया, तो गलत पत्ते की चिट्ठियाँ, बीजाक्षर, अनुष्टुप, यहाँ पे कहती है औरतें, ये पूछेगा कहती हैं औरतें किसका लेखक है, यानी किसके द्वारा रचित है, तो एक औरत ही रची है, अनामिका रची है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। इनको पुरस्कार मिला था, राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार मिला था, भारत भूषण अग्रवाल मिला था, गिरजा कुमार माथुर पुरस्कार मिला था और ऋतुराज साहित्य सम्मान मिला था, इतना ही पूरा मिला था। तो ये आपको पूर्ण रूप से समझ में आया होगा। अनामिका ने एक अनामिका क्या लिखी है, तो देखिए कहती हैं औरतें, औरतों के बारे में लिखी है, औरतें क्या क्या कहती हैं, ठीक है। इसमें कवि बताना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, कि बच्चों के अक्षर ज्ञान का प्रारंभिक शिक्षण कैसे देना है, छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उसके बारे में देखिए यहाँ पे अनामिका जी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लें। यहाँ पे कह रही है चौकटे में नहीं अटता मेरा क, ठीक है, यानी कि बोल रहे हैं कि चौकटे में नहीं अटता बेटे का क, चौकट में नहीं अटता है बेटे का क, कबूतर ही है ना, तो क के बाद कबूतर बोली है ये, ठीक है। फुदक जाता है जरा सा, थोड़ा सा फुदक जाता है, पंक्तियों से उतर जाता है उसका ख, ख जब लिखते हैं पर पंक्तियों से उतर जाता है, उनका लड़का ख अगर लिख रहा था तो ख लिख रहा था ऐसे, तो कहीं टेढ़ा लाइन बना दे रहे कहीं कुछ, ठीक है। तो पंक्तियों से कौन उतर जाता है, आपसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन किया जाएगा, तो ख उतर जाता है, ठीक है। खरगोश का खालिस बेचैनी में, यहाँ पे समझिएगा, खरगोश की खालिस बेचैनी में गमले सा टूटता उस टूटता हुआ उसका ग, गमले सा टूटता क्या है, तो उसका ग है। घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ, अंग पर आकर थमक जाता है, और घ पर तो बच्चा लिख लिया, छोटा सा बच्चा सीखते, अंग पर आकर रुक गया कि अंग कैसे लिखें, तो उसको बता गया कि ड लिख करके यहाँ डॉट लगा दोगे तो इसे अंग कहते हैं, ठीक है। उसने यही बोला है कि उससे नहीं सहता है अंग, और अंग के ड को वह समझता है माँ, अंग को जैसे ही पता चलता है कि इसको क्या बोलते हैं, उस समय उसको पता ही नहीं चलता है कि हम इसको क्या बोले, ड बोले कि अंग बोले, तो वहाँ पे माँ बोलता है कि माँ अब इसके बाद क्या होगा। और उसके बगल में बिंदु क्या करे को मानता है, उसके बगल में एक बिंदु लगा देता है, उसी को मानता है। अब देखिए, गोदी में बैठा बेटा, गोदी और यहाँ पे माँ बेटे सदते नहीं उससे, और उन्हें सीख लेने की अनवरत कोशिश में उनके आ जाते हैं आंसू, और बेटे खूब ये सीखने की कोशिश करता है कख का, जब नहीं सीख पाता है तो लगता है रोने, ठीक है, कि हमको नहीं है। बहुत ऐसा बच्चा है जो क्या नहीं सीखा तो छोड़ देगा, बहुत ज़्यादा कि नहीं आएगा उसको समझ में तो लगता है रोने की कैसे याद करें, वही बात है यहाँ पे। पहली विफलता पर झलकते हैं क्या उनके आंसू ही, और हैं शायद प्रथमाक्षर, ये पहला अक्षर है, प्रथमाक्षर माने पहला अक्षर है, और सृष्टि का विकास कथा के, और यही सृष्टि का ऐसे ही विकास हुआ है, शुरू से लेकर के जब भी बच्चा स्टार्ट में जब वो जन्म लेता है और थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसको स्टार्टिंग में भी बोला जाता है कि बोलो बाबू क, ठीक है, तो क को बताने का तरीका है। इसमें कई बार एक क्वेश्चन पूछता है कि बेटे के आंसू कब आ जाते हैं, क्योंकि वो जब नहीं सीख पाता है तब, और क्यों, तो सीखने के क्रम में बार बार प्रयास करने पर भी जब बालक विफल हो जाता है यानी नहीं सीख पाता है तब पहली विफलता पर आंसू आ जाते हैं, क्योंकि कठिनतम प्रयास के बाद भी विफल होना कष्टदायी स्थिति उत्पन्न करता है। किसी किसी चीज़ को हम खूब करने का प्रयास करते हैं और उसमें फेल हो जाते हैं ना, तो थोड़ा सा तकलीफ होता है, लेकिन वो फेल हम लोग को रास्ता तो बताता है, अंत में ये बच्चा ये कहानी कखागा सीख जाता है, तो है ना मज़ेदार। तो ये दोनों लेसन आपको बहुत शानदार लगा होगा, एक बार बढ़िया से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, और आपको समझ आया है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, और अब ऑब्जेक्टिव का सीरीज शुरू होने वाला है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।